रोज़ रोज़ का हैवी खाना खा के आप थक चुके हो और आपको कुछ हल्का खाने का मन हो रहा है, तो खिचड़ी से बेहतर क्या ही हो सकता है, जो कि खाने में बहुत लाइट भी होता है और सोचो अगर वो टेस्टी भी हो, क्योंकि बहुत लोगों का ना ये मिथ भी होता है कि खिचड़ी वो भी टेस्टी। अरे नहीं, पर ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हो सकती है खिचड़ी टेस्टी। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी है खिचड़ी, वो भी मिक्स दाल और पालक की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दो लोगों की खिचड़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप बासमती राइस और मिक्स दाल, जिसमें तुर्की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है और मूंग की दाल है, ये भी हाफ कप ही है टोटल सारी दाल मिक्स करके। और इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छान कर रख लिया है। पालक हमने कटा हुआ ले लिया है, धुला हुआ 250 ग्राम के अराउंड। और अब हम एक कुकर में डालेंगे पानी, एक एक करके इसमें हम अपना चावल, दाल, पानी, और पानी हम ऐड करेंगे 2 से 2.5 कप। अगर हमारी खिचड़ी थिक भी बनती है तो हम पानी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें पालक, कटे हुए टमाटर, हींग, थोड़ी सी सॉल्ट और हल्दी, और इन सारी चीज़ों को एक बार एक स्पैचुला से मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें लगाना है कुकर का ढक्कन, गैस जलाकर मीडियम फ्लेम पे हमें अपने कुकर को रख देना है। 3 से 4 सीटी लगने तक का वेट करना है। याद रखना है कि फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ना बहुत तेज ना बहुत हल्का। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी काफ़ी होती है खिचड़ी पकने के लिए, और मीडियम फ्लेम पे ही खिचड़ी अच्छी बनती है। आप बहुत तेज़ करोगे तो भी खिचड़ी ख़राब हो सकती है, और लो फ्लेम पे भी खिचड़ी ख़राब हो सकती है। आप देख सकते हो कि मेरी खिचड़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खिचड़ी बिल्कुल ऐसी ही खानी पसंद है। लेकिन अगर आप पतली खिचड़ी पसंद करते हो तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा बॉइल्ड वाटर भी ऐड कर सकते हो। और अब आ गई तड़का लगाने की बारी, जहाँ मैंने करछल में घी, 1 चम्मच घी और लहसुन की कुछ कलियों को बारीक कट करके ले लिया है। इसके बाद हम इसे गैस पे गरम करेंगे, और जब हमारा लहसुन पकने लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कुछ जीरे के दाने, थोड़े से जीरे, और साथ में 2 खड़ी लाल मिर्च। आप हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। खिचड़ी को मैंने सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग करी है फ्रेश कटी हुई हरी धनिया की, और जो मेरा तड़का है मैंने तड़का इसमें यहीं ऊपर से ही ऐड कर दिया है, जो दिखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो अब आ गई है खिचड़ी सर्व करने की बारी। तो आप बताओ, आप खिचड़ी के साथ क्या क्या खाना पसंद करते हो? दही, पापड़, सलाद, अचार, भरता या सब्जी? मुझे तो सब्जी के साथ खिचड़ी बहुत पसंद है, और मैंने बनाई है आलू गोभी की मसालेदार सब्जी, और मैंने यहाँ पे कुछ सलाद कट कर लिया है, और अब बस मैं अपनी खिचड़ी को सर्व कर रही हूँ। देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? तो बिल्कुल टेस्टी सी खिचड़ी बनी है, और मैं जा रही हूँ इसे इन्जॉय करने। तो आप भी सेम टू सेम खिचड़ी ज़रूर बनाना, मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना, और मुझे बताना ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।